हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स ऑफ चैप्टर 9 पार्ट 3। आज हम चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज मीन्स पंजे और उंगलियां जो रहती हैं पैर की, उसको शामिल कर। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। यह प्रोटेक्ट करती है मींस इसकी सुरक्षा करती है इसकी फीट किसके पंजों की ठंड से जब यह स्नो पर बर्फ पर चलता है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो माउंटेन गोट होती है, जो पहाड़ी बकरी होती है, उसके पास स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर खुर होते हैं दौड़ने के लिए रॉकी स्लोप्स पर, मीन्स जो ढलानी चट्टान है, ढलने वाली चट्टान है माउंटेन्स की, पहाड़ की। As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptations at different। जब हम माउंटेनियस रीजन मीन्स पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, सराउंडिंग्स रहती है मीन्स चारों ओर रहती है हमारे इधर, हमारी चारों ओर रहती है, वह बदलती है और हम देखते हैं अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस को, अनुकूलन को अलग अलग हाइट्स पर, अलग अलग ऊंचाई पर। Grassland, the lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। जो lion है means एक शेर रहता है forest में, जंगल में, या फिर grassland में means जहाँ पर घास वाले इलाके, घास वाले इलाकों में, और वह एक strong animal है, ताकतवर जानवर है जो कि हंट कर सकता है मीन शिकार कर सकता है और मार सकता है एनिमल्स को, जानवरों को, जैसे कि डियर मीन्स हिरण। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, इसके पास फीका ब्राउन कलर होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर फिगर 9.8। देखिए पिक्चर को मीन्स तस्वीर को, एक शेर की और डियर की, हिरण की, फिगर 9.8। How are the eyes placed in the face for these two animals? इन दो जानवरों की आंखें चेहरे पर कैसे लगी रहती हैं? आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस? क्या वे सामने या फिर साइड पर, किनारे पर रहती हैं चेहरे के? लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। शेर के पास लंबे पंजे होते हैं सामने के दो लेग्स पर मीन सामने के पैरों पर, जो कि अंदर खींचे जा सकते हैं टोज के, टोएज के मीन्स पैर की उंगलियों के। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इन इट इन एनी वे टू सर्वाइव? क्या शेर की विशेषता उसे जीने में कोई भी मदद करती है? Its light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey animals to eat। यह light brown यानी यह फीका भूरा कलर, भूरा रंग इसे मदद करता है छिपने में dry grasslands पर means सूखे घास वाली जगह पर, जब यह hunt करता है means जब यह शिकार करता है इसके prey के लिए means शिकार के लिए, animals to eat खाने के लिए जानवर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। आँखें सामने मीन्स इसके चेहरे के सामने आँखें इसे अनुमति देती है एक सही आइडिया मीन्स एक सही विचार लोकेशन के बारे में मीन्स इसके शिकार के जगह के बारे में। Deer is another animal that lives in forests and grasslands। एक डियर
एक हिरण दूसरा जानवर है जो कि फॉरेस्ट में मीन जंगलों में और घास वाली जमीन पर रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके मजबूत दांत इसे मदद करते हैं चबाने में। कड़क प्लांट की स्टेम मीन्स कड़क पौधे के तने को फॉरेस्ट के मीन्स जंगल के। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। एक डियर को एक हिरण को ज़रूरत होती है जानने की इसके प्रेडेटर्स के मीन्स इसके शिकारी की प्रेजेंस के लिए उपस्थिति के लिए। जानवर जैसे कि शेर जो कि इसे खाना बनाते हैं या फिर शिकार बनाते हैं। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। ऑर्डर में मीन्स संख्या में भागने की इनसे दूर और इनके शिकार ना बनने के लिए। क्या शेर की विशेषता उसे जीने में कोई भी मदद करती है? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। यह लाइट ब्राउन यानी यह फीका भूरा कलर भूरा रंग इसे मदद करता है छिपने में ड्राई ग्रासलैंड्स पर मीन सूखे घास वाली जगह पर। जब यह हंट करता है मीन्स जब यह शिकार करता है इसके प्रे के लिए मीन्स शिकार के लिए एनिमल्स टू ईट खाने के लिए जानवर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। आँखें सामने मीन्स इसके चेहरे के सामने आँखें इसे अनुमति देती है एक सही आइडिया मीन्स एक सही विचार लोकेशन के बारे में मीन्स इसके शिकार के जगह के बारे में। डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड। एक डियर एक हिरण दूसरा जानवर है जो कि फॉरेस्ट में मीन्स जंगलों में और घास वाली जमीन पर रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके मजबूत दांत इसे मदद करते हैं चबाने में। कड़क प्लांट की स्टेम मीन्स कड़क पौधे के तने को फॉरेस्ट के मीन्स जंगल के। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। एक डियर को एक हिरण को ज़रूरत होती है जानने की इसके प्रेडेटर्स के मीन्स इसके शिकारी की प्रेजेंस के लिए उपस्थिति के लिए। जानवर जैसे कि शेर जो कि इसे खाना बनाते हैं या फिर शिकार बनाते हैं। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। ऑर्डर में मीन्स संख्या में भागने की इनसे दूर और इनके शिकार ना बनने। क्या शेर की विशेषता उसे जीने में कोई भी मदद करती है? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। यह लाइट ब्राउन यानी यह फीका भूरा कलर भूरा रंग इसे मदद करता है छिपने में ड्राई ग्रासलैंड्स पर मीन सूखे घास वाली जगह पर। जब यह हंट करता है मीन्स जब यह शिकार करता है इसके प्रे के लिए मीन्स शिकार के लिए एनिमल्स टू ईट खाने के लिए जानवर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। आँखें सामने मीन्स इसके चेहरे के सामने आँखें इसे अनुमति देती है एक सही आइडिया मीन्स एक सही विचार लोकेशन के बारे में मीन्स इसके शिकार के जगह के बारे में। डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। एक डियर
एक हिरण दूसरा जानवर है जो कि फॉरेस्ट में मीन जंगलों में और घास वाली जमीन पर रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके मजबूत दांत इसे मदद करते हैं चबाने में। कड़क प्लांट की स्टेम मीन्स कड़क पौधे के तने को फॉरेस्ट के मीन्स जंगल के। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। एक डियर को एक हिरण को ज़रूरत होती है जानने की इसके प्रेडेटर्स के मीन्स इसके शिकारी की प्रेजेंस के लिए उपस्थिति के लिए। जानवर जैसे कि शेर जो कि इसे खाना बनाते हैं या फिर शिकार बनाते हैं। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। ऑर्डर में मीन्स संख्या में भागने की इनसे दूर और इनके शिकार ना बनने इनसे दूर भागने की संख्या में उनसे और उनके खाना ना बनने के लिए दौड़ना। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। इसके पास लंबे कान होते हैं सुनने के लिए मूवमेंट्स को मीन्स हलचल को या फिर गतिविधियों को प्रेडेटर्स की मी शिकारी की। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। आइज आंखें इनके सर के साइड में सर के साइड में मींस सर के दाएं बाएं तरफ आज्ञा देती हैं इन्हें देखने के लिए सभी डायरेक्शन में डेंजर के लिए मीन्स खतरे के लिए। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। स्पीड मीन्स तेज गति डियर की हिरण की मदद करती है उन्हें भागने में शिकारियों से। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बहुत से दूसरे विशेषताएं होती हैं लॉयन की, शेर की, डियर की, हिरण की या फिर दूसरे जानवरों की और प्लांट्स की, पौधों की, जो कि उन्हें मदद करती हैं रहने में या जीने में उस हैबिटेट में, उनके हैबिटेट में। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स ओशियंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं कैसे फिश मीन्स मछली अडेप्टेड रहती है, अनुकूल रहती है जीने में समुद्र में। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजिली इन। बहुत से अलग समुद्री जानवरों के पास सुव्यवस्थित शरीर होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं पानी में आसानी से चलने में। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप। कुछ सी एनिमल्स होते हैं, समुद्री जानवर होते हैं जैसे कि स्क्विड्स और ऑक्टोपस, जिसके पास ऐसी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता, सुव्यवस्थित आकार नहीं होता। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड देम। वे रुकते हैं गहराई में ओशियन की, समुद्र की मीन्स महासागर की सी बेड के पास मीन्स समुद्र तल के पास, और पकड़ लेते हैं कोई भी खाने के जानवर को जो कि उनके पास आता है या उनकी तरफ आता है। हाउ एवर वैन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड। हालांकि जब वे मूव करते हैं मीन्स चलते हैं पानी में, वे बना लेते हैं उनकी बॉडी को, शरीर को स्ट्रीमलाइंड आकार में मीन्स सुव्यवस्थित आकार में।
These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. यह जानवरों के पास गिल्स होते हैं यह जानवरों के पास गिल्स होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं ऑक्सीजन यूज करने में, उपयोग करने में, जो कि पानी में डिसॉल्व रहता है, मीन्स घुला रहता है. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. कुछ समुद्री जानवर जैसे कि डॉल्फिन और वेल्स के पास गिल्स नहीं होते हैं. वेल्स के पास गिल्स नहीं होते हैं. दे ब्रीद इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स. वे नासिका छिद्रों या फिर फूकने वाले छिद्रों से सांस लेते हैं हवा में जो कि स्थित होता है उनके ऊपरी सर के ऊपरी हिस्सों में. दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. यह उन्हें अनुमति देता है ब्रीथ करने की, सांस लेने की हवा में जब वे स्विम करते हैं, तैरते हैं सरफेस पर, सतह पर, पानी की सतह के पास. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. वे रह सकते हैं पानी के अंदर बहुत समय तक बिना सांस लिए. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. वे आते हैं बाहर, आते हैं सरफेस पर, सतह पर, समय समय पर. टू ब्रीद इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films and on ocean life? क्या कभी आपने देखा है इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स इस आनंद दीदा गतिविधि पर, डॉल्फिन्स की गतिविधि टेलीविजन पर, मीन्स टीवी प्रोग्राम या फिर फिल्म्स में, ओशियन लाइफ पर, समुद्री जीवन पर. पॉन्ड्स एंड लेक्स. हाउ हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स. क्या कभी आपने देखा है पौधे उग रहे हैं पॉन्ड्स में, मीन्स तालाब में, छोटे तालाब में और तालाब में, नदियों में और कुछ ड्रेन्स में, नालियों में. गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड. एक फील्ड ट्रिप पर जाइए, मीन्स खेत की यात्रा पर जाइए पास के एक तालाब पर, इफ पॉसिबल, यदि संभव है. एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर. और कोशिश कीजिए देखने की प्लांट्स के, मीन्स पौधे के प्रकारों को जो कि वहाँ पर दिख रहे हैं. ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स. ऑब्जर्व कीजिए, देखिए लीव्स, पत्तियाँ, तने और रूट्स को, मीन्स जड़ों को, इन प्लांट्स के, पौधों की. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर. कुछ प्लांट्स के पास, कुछ पौधों के पास रूट्स होती हैं, मीन्स जड़ें होती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, वह फिक्स्ड रहती हैं, मीन्स जमी हुई रहती हैं मिट्टी में, पानी के नीचे. फिगर 9.9. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. टेरेस्ट्रियल प्लांट However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. हालांकि aquatic plants means पानी वाले, जल वाले पौधों में roots much reduced हो जाती हैं, means जो जड़ें रहती हैं वह आकार में छोटी हो जाती हैं और उनका main काम जो रहता है, मीन्स उनका जो मुख्य काम रहता है वह प्लांट को, पौधे को एक जगह पर पकड़े रहने का होता है. द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग. इन पौधों के तने बहुत लंबे होते हैं, होलो एंड लाइट, खोखले और हल्के होते हैं. द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. स्टेम्स मीन्स तने उगते हैं सरफेस पर, मीन्स सतह पर, पानी की सतह पर, जबकि लीव्स, पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं. सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड. कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जलमग्न होते हैं इन वाटर, पानी में.
ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, सभी सभी पार्ट्स सभी भाग ऐसे प्लांट्स ऐसे पौधों के पानी के नीचे होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इनमें से कुछ पौधों के पास नैरो मीन्स सकरा और पतली रिबन लाइक लीव्स होती हैं, पतली रिबन जैसी पत्तियां होती हैं। दीज कैन बेंड इन द फॉलोइंग वाटर, यह झुक सकती हैं यह फ्लोइंग है बहते हुए पानी में। इन सम समर्स प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। कुछ समर्स मीन्स कुछ जलमग्न पौधों में लीव्स पत्तियां अक्सर पूर्ण रूप से विभाजित रहती हैं, जिससे जो पानी है वह आसानी से बहता जाए उन्हें डैमेज करे बिना, मीन्स उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, मेंढक अक्सर पॉन्ड्स में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, मेंढक रह सकते हैं दोनों दोनों जगहों पर, पानी के नीचे साथ ही साथ जमीन पर हिल सकते हैं या फिर चल सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, उनके पास ताकतवर पीठ होती है, लेग्स होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं फुदकने में और उछलने में और उनके शिकार को पकड़ने में। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, उनके पास झिल्लीदार पंजे होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं पानी में तैरने में। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, हमने सिर्फ डिस्कस किया है मींस हमने से बातचीत की है कुछ कॉमन मींस कुछ समान एनिमल्स जानवर और पौधे कंपेयर की मींस तुलना की गई एक बहुत बड़ी वैरायटी से बहुत बड़े प्रकार से रहने के मींस जीवित वस्तुओं के अलग अलग आवासों में। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू, आपने शायद नोटिस किया होगा देखा होगा बहुत बड़ी प्रजाति प्लांट्स की पौधे की आपके चारों ओर। When you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7, जब आपने herbarium means वनस्पतियों के समूह को prepare किया होगा, जैसे कि एक भाग आपको suggest किया गया था, means आपको सलाह दी गई थी activities में गतिविधियों में chapter 7 की। Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. सोचिए या फिर कल्पना कीजिए प्रकार means जो आप देख सकते हैं herbarium में leaves के प्रकार, पत्तियों के प्रकार, plants के means पौधों के पत्तियों के प्रकार, सभी regions से सभी जगहों से अर्थ की पृथ्वी की। 9.4 characteristics of organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. हम एक जर्नी पर गए, एक यात्रा पर गए अलग अलग आवासों पर और डिस्कस किए मीन्स बातचीत की बहुत से प्लांट के बारे में और जानवरों के बारे में। इन एक्टिविटी वन गतिविधि एक में वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, हमने लिस्ट बनाई ऑब्जेक्ट की, पौधों की और एनिमल्स की, जानवरों की जो कि पाए गए अलग अलग हमारे चारों ओर अलग अलग जगहों पर। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जांपल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग, मान लीजिए हम रुक गए थोड़ी देर के लिए और सोचने लगे कुछ एग्जांपल्स कुछ उदाहरण हमारी लिस्ट में से जो कि जीवित है। लेट अस थिंक ऑफ एन एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस, मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। चलिए हम सोचते हैं कुछ एग्जांपल्स के, कुछ उदाहरणों के बारे में। जंगल से, पेड़ से, क्रीपर से, मीन्स लताओं से, छोटे और बड़े एनिमल से, मीन्स जानवरों से, पक्षियों से, सांपों से, कीड़े मकोड़ों से, पत्थर से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, सूखी पत्तियों से, मरे हुए जानवरों से, मशरूम से और मॉस से,
सिर्फ हो सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ वस्तुएं जो कि प्रेजेंट हैं उपस्थित हैं फॉरेस्ट में जंगल में. विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन सी जीवित है. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. सोचिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में जो कि आप देख रहे हैं आपके चारों ओर इस क्षण पर, और उन्हें ग्रुप कीजिए, समूह में लाइए, लिविंग और नॉन लिविंग की तरह, मीन्स जीवित और निर्जीव की तरह. इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, कुछ केसेस में यह आसान रहता है हमें जानने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण के तौर पर, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव. हम जानते हैं कि वस्तुएं जैसे कि चेयर, कुर्सी या टेबल मींस मेज जीवित नहीं है. पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर. पहली पढ़ रही थी इस राइम को, इस कविता को पूरी नॉनसेंस से मींस पूरी तरह बेवकूफ़ी से जो कि एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई. पहली एंड बूजो फाउंड द पोयम वेरी फनी. पहली और बूजो को यह पोयम यह कविता बहुत फनी लगी, बहुत मजाकिया लगी. बिकॉज दे न्यू दैट आ चेयर और आ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक. क्योंकि वे जानते हैं कि चेयर, कुर्सी या एक मेज जीवित नहीं हो सकती और यह बात भी नहीं कर सकती है, चल भी नहीं सकती. चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव. कुर्सी, मेज, पत्थर या फिर एक सिक्का जीवित नहीं होते. सिमिलरली इसी तरह से वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. इसी तरह से हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह इस दुनिया में जो भी लोग हैं वह जीवित हैं. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स. हम देखते हैं, हम भी देखते हैं हमारे चारों ओर जानवरों को जिनके पास ज़िंदगी है. कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर, गिलहरी, कीड़े मकोड़े और बहुत से दूसरे. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग. हम कैसे जानते हैं कि कुछ जी रहे हैं, मीन्स कुछ चीज़ जी रही है. ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड. अक्सर यह ईजी नहीं होता है, मीन्स यह आसान नहीं होता है डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग. हमें बताया जाता है कि पौधे जीवित होते हैं, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. लेकिन वे हिल नहीं सकते हैं कुत्ते या फिर एक कबूतर की तरह. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कार और अ बस कैन मूव. एक कार या फिर एक बस हिल सकती है. स्टिल वी कंसाइडर देम एज नॉन लिविंग. तब भी हम उन्हें मानते हैं निर्जीव. प्लांट्स एंड एनिमल्स अपियर टू ग्रो इन साइज विद टाइम. प्लांट्स, पौधे और जानवर दिखते हैं बढ़ते हुए साइज में, आकार में समय पर या फिर समय के साथ. बट देन, लेकिन तभी, एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज. समय पर क्लाउड्स, बादल आकाश में या आसमान में दिखते हैं बढ़ते हुए आकार में. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग. क्या इसका मतलब है कि क्लाउड्स मीन्स बादल सजीव हैं. नो, नहीं. सो इसलिए हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो हम कैसे पता करें डिफरेंस को या मीन अंतर को लिविंग मीन सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच में. डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग. क्या कुछ विशेषताएं होती हैं, समान विशेषताएं होती हैं जो कि बहुत अलग बनाती हैं लिविंग को, सजीव को निर्जीव से. You are a wonderful example of a living being. आप एक बहुत अच्छे example है, उदाहरण है जीवित वस्तुओं के. What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? क्या characteristics means क्या विशेषताएँ हैं आपको अलग बनाती हैं non-living things से. List a few of these characteristics in your notebook. List कीजिए means
उनको लिस्ट बनाइए उनकी, कुछ उनमें से कुछ विशेषताओं को आपकी नोटबुक में। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। देखिए आपकी लिस्ट में और मार्क कीजिए, मीन्स निशान लगाइए उन विशेषताओं पर जो कि आपने लिस्ट बनाई है, जो कि पाई जा सकती हैं एनिमल्स में, जानवर में या प्लांट्स में, पौधों में। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कुछ विशेषताएं शायद कॉमन होती, समान होती हैं सभी लिविंग थिंग्स में, सजीव चीज़ों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोर्थ वार्ट, वेलकम सून।